हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी के रवाना होते ही लूट मच गई। अमेरिका ने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिए बिना ही अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को अचानक खाली कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग यहाँ सामान लूटने के लिए पहुँच गए। लोगों ने तो लोहे के टुकड़ों और प्लास्टिक तक को नहीं बख्शा। बाद में जब स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी हुई, तब जाकर अफगान सुरक्षा बलों ने एयरबेस को अपने कब्जे में लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बगराम एयरफोर्स बेस साल 2001 से अमेरिका के नियंत्रण में था। पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी सील कमांडो बगराम एयरबेस पर ही ट्रेनिंग ली थी। बाद में कमांडो जलालाबाद एयरबेस से रवाना हुए थे। इसी बेस पर अफगानिस्तान में एयर ऑपरेशन की कमान संभालने वाले कमांडर का ऑफिस भी था। इस एयरफील्ड को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो यह बेस उसके लिए मेन अड्डा बन गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए भीषण आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आज से 20 साल पहले पहुँचे थे। यह अमेरिका का सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष है। 2001 से लेकर 2021 तक के अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के 3000 के तकरीबन सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस युद्ध के लिए अमेरिका को $816 अरब की भारी भरकम राशि भी खर्च करनी पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लूटपाट में कई लुटेरे और घुसपैठियों को पकड़ लिया गया है, बाकियों को बेस से खदेड़ दिया गया है। सामान के साथ फरार हुए लोगों की धरपकड़ के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। दुर्भाग्य से अमेरिकी बगराम जिले के अधिकारियों को बताए बिना ही चले गए। वर्तमान में बगराम एयरबेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से अफगान सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। दोस्तों, आपको पता ही है कि कल ही के दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के रिहायशी इलाके में एक ड्रोन देखा गया था। इस मामले पर भारत की ओर से पाकिस्तान के सामने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया गया। भारत ने एक नोट लिखकर उच्चायोग की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह पहली बार है जब पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के इलाके में ड्रोन देखे जाने की ऐसी घटना हुई है। ड्रोन को हाई कमीशन के इलाके में उस समय देखा गया जब एक कार्यक्रम चल रहा था, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान भारतीय हाई कमीशन पर निगरानी रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये खबरें जितनी ज़्यादा भारत में क्रिटिसाइज़ की गई, वहीं पाकिस्तान में तो एक आम बात के तौर पर इसे देखा गया। उसके पीछे का कारण भी पाकिस्तान इस बात को छुपाना चाहता है कि वह भारतीय हाई कमीशन पर चोरी छुपे निगरानी रखने की कोशिश कर रहा था, और इस बात का सबूत है यह वीडियो। उन्होंने अभी इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर बात कर दी कि जी यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है और खतरा है। हाई कमीशन के अंदर ड्रोन उड़ा के क्या करना था उसकी? ड्रोन तो तस्वीरें बनाने के लिए होता है। उसके अंदर वो एक मुजिका खेत, ये जो लाहौर का वाकया है, ये चूंकि ट्रेस हो गया है, पूरा ग्रुप पकड़ा गया है, तो अब ये इंडियन मीडिया पे तो कोई भी चीज जो वो चलाना चाहे वो चला। वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में तो हुकूमत कुछ और कर रही होती है, रियासत का मफाद बाद अवकात हुकूमत पर तो खैर तनकीद जो है उसका हक है, मीडिया को करनी ही चाहिए, इवन इस्टेब्लिशमेंट भी करनी चाहिए जब ज़रूरत हो, लेकिन रियासत के मफाद जो है पाकिस्तानी मीडिया में तो बाद लोग उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में स्टेट जो कहती है वही नशर होता है। ठीक है, अभी चूंकि अफगानिस्तान के ऊपर ही हारून साहब हमारी बात चल रही है, अफगानिस्तान के ऊपर एक इजलास की डिमांड की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी, उसका क्या हुआ? ब्रीफिंग कोई वजह नहीं मालूम कि इसके बाद इससे वो दस्तबरदार क्यों हो गए। किसने उनसे कहा कि दस्तबरदार? पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए था। खैर, ये भी एक पार्लियामेंट के इजलास की एक शक्ल है, शायद ज़्यादा एहतियात बरती गई। दोस्तों, राफेल डील को लेकर लंबे वक्त से चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। फ्रांस ने भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपये के राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की अब न्यायिक जाँच कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक फ्रांसीसी जज की भी नियुक्ति कर दी गई है। यह जानकारी एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट में दी गई है। मीडिया पार्ट ने कहा है कि 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील के अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को शुरू हो गई थी।
इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को फ्रांसीसी लोक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा ने इस बात की पुष्टि की है। फ्रांसीसी वेबसाइट ने अप्रैल 2021 में राफेल डील में कथित अनियमितताओं पर बहुत सी रिपोर्टें प्रकाशित की थी, जिसमें से एक मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि फ्रांस की सार्वजनिक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा के पूर्व प्रमुख एलियाने हाउलेट ने सहयोगियों की आपत्ति के बाद भी राफेल जेट डील में भ्रष्टाचार के कथित सबूतों की जांच को रोक लगा दी। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हाउलेट ने फ्रांस के हितों, संस्थाओं के कामकाज को संरक्षित करने के नाम पर जांच को रोकने के अपने फैसले को सही ठहराया है। मीडिया पार्ट में कहा गया है कि आपराधिक जांच तीन लोगों के आसपास के सवालों की जांच करेगा, जिसमें पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसो ओलाद, वर्तमान राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन और विदेश मंत्री जीन एवेस ले ड्रियन शामिल है। इसमें से पूर्व राष्ट्रपति इस डील के हस्ताक्षर के वक्त पदस्थ थे। वर्तमान राष्ट्रपति उस वक्त हॉलैंड की अर्थव्यवस्था में थे और विदेश मंत्री उस समय रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे। बता दें कि भारत सरकार ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी, जिसमें से करीब 12 विमान भारत को मिल गए हैं और बाकी 2022 तक प्राप्त हो जाएंगे। इस डील के दौरान भारत में काफ़ी विवाद मचा था। लोकसभा चुनाव के वक्त राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मामलों पर कांग्रेस सरकार ने भी मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी आरोप लगाए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।